हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन सेंटर रांची। सो आज हम लोग, ये हमारा थर्ड वीडियो होने जा रहा है मैट्रिक्स चैप्टर का, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, क्या क्या अलग टाइप्स हैं मैट्रिक्स का, उसको डिटेल में देखेंगे। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए मीन्स एक छोटा सा सजेशन आपको दूंगा कि अगर आपने इसके पहले वाले दो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पहले उसको एक बार जाके देख लीजिए, क्योंकि सारा का सारा बेसिक फंडा, ये जितने भी टाइप्स आप पढ़ोगे, हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप जितने के जितने भी टाइप्स आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो क्या होगा, कहीं ना कहीं ऑर्डर से रिलेटेड होगा। ऑर्डर बोलने का मतलब क्या, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको रो का कंसेप्ट आना चाहिए, कॉलम का कंसेप्ट आना चाहिए, ऑर्डर क्या होता है ये आना चाहिए। तो जब तक आप ये नहीं जानोगे तो फिर ये बेसिक ये वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। तो आप ये छोटा सा काम कीजिएगा कि जाके पहले उसको रिवाइज एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार उसको पढ़ लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जो फर्स्ट मैट्रिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, कब किसी मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है, तो ध्यान से देखिए डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। इफ द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल, देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो आपको ध्यान कहां पे देना है, जिस मैट्रिक्स में, जिस भी मैट्रिक्स में आपको रो और कॉलम अनइक्वल दिखे, बराबर नहीं हो, वो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आपको फोकस क्या करना है, तीन बात यहाँ पे बताया हुआ है। सबसे पहला क्या, जितने भी नंबर ऑफ रो, जितने भी रो होंगे। दूसरा बात क्या बोला है, नंबर ऑफ कॉलम। और तीसरा बात आपको बताया है कि ये जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, अनइक्वल होने चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर इक्वल हो गया तो क्या बोलेंगे, तुरंत एक क्वेश्चन आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, बट आपको रेक्टेंगल में बेसिक यही तीन पॉइंट याद रखना है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो भी होगा वो अनइक्वल होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स पे हम लोग मूव करते हैं, और स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं इसको समझिए। आपको मेन फोकस कहाँ पे, ये जो दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ है, एक में लिखा हुआ है नॉट इक्वल और दूसरे में लिखा हुआ है इक्वल। तो जहां पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाए उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर। और आप लोग याद कैसे रखिएगा, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है कि चारों का चारों साइड बराबर होता है। तो आप यहां से भी याद रख सकते हो कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो गए। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंस किसको देना है, वो आपको देना है बराबर, इक्वल को देना है, क्लियर है, जो भी होंगे बराबर होंगे। अब क्या होंगे, रो और कॉलम होंगे तो वो दोनों बराबर होंगे, क्लियर है। सो आई होप आप समझ पाए होंगे कि इफ नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, बस यही मेन फोकस आपको देखना है। इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि ये जो पूरा का पूरा सेशन होने जा रहा है वो उसका जो बेस होने वाला है वो रो और कॉलम होने वाला है। तो इसलिए आपको यही निकालने आना चाहिए, अगर आप यही निकाल नहीं पाओगे तो समस्या हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप जो है वो है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल बोलने का मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल ध्यान से समझिए, हॉरिजॉन्टल ऐसा कुछ होता है, और ऐसा होने के लिए क्या कंडीशन बता रहा है कि कॉलम ये ज्यादा हो और जो रो हो वो कम हो। तो ध्यान से देखिए कंडीशन क्या दिया हुआ है, आप खुद समझिए। वर्टिकल बोलने का मतलब क्या, कुछ ऐसा लंबा। हॉरिजॉन्टल बोलने का मतलब कुछ ऐसा। तो जब हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे तो क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होने चाहिए उस मैट्रिक्स के अंदर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ रो। तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली ज्यादा बड़ा दिख रहा है मेरे को, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। और वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या बोलेंगे, थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, यहाँ पे लग रहा है ये कुछ ऐसा है, तो हम लोग बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। और इसका कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे रो जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू कॉलम। तो ध्यान से अब एक बार डेफिनेशन को पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है डेफिनेशन।
तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम दैट शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर कॉलम के नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ रो तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, उस मैट्रिक्स को हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट जल्दी से लगे हाथ वर्टिकल मैट्रिक्स को देखते हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, जिस भी मैट्रिक्स द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो, ध्यान देना है कि नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ पे नंबर ऑफ रो ज्यादा हो, रो रो का बोलने का मतलब क्या, वही तो लंबा करेगा ना, वर्टिकली लंबा करेगा थोड़ा सा। कॉलम बोलने का मतलब फिर तो इधर फैलता जाएगा, इधर छोटा होना चाहिए, वर्टिकल में क्या होना चाहिए, इधर वाला बड़ा होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पे कॉलम जो हो वो कम हो और रो का नंबर ज्यादा। तो हम लोगों ने अभी फिलहाल चार टाइप्स को डिस्कस किया, जल्दी से कुछ और टाइप्स है उनको डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टाइप जो है वो है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्या है, ध्यान से देखिए कि इफ द नंबर ऑफ रो इन एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू वन। अब बोलता है क्या कि कॉलम का नंबर एक भी हो सकता है एक से ज्यादा, लेकिन अगर रो का नंबर एक है, क्लियर है, यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन दिया उसके बाद वो कुछ नहीं बता रहा है, यहाँ पे आपको कॉलम के बारे में सोचना ही नहीं है। बोलता क्या है कि अगर रो का नंबर किसी भी मैट्रिक्स में वन हो गया तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, उस मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ से समझिए बात को, क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ रो इन एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू वन, वन के बराबर हो जाए तो उस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बोला जाएगा। अब फिर से आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर कॉलम का वैल्यू वन हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप वही है क्या, इफ द नंबर ऑफ कॉलम, ध्यान से सुनिए, इफ द नंबर ऑफ कॉलम इन एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू वन, अगर किसी भी मैट्रिक्स में कॉलम का नंबर एक हो जाए या सिर्फ एक ही कॉलम रहे, देन उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, देन दैट मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स। हमने एक एग्जांपल लिया, अब यहाँ पे ध्यान से बताइए इसका रो का नंबर कितना है, इसमें रो का नंबर है फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, तीन रो है इसमें, लेकिन कॉलम कितने हैं, कॉलम एक ही है, तो इसका ऑर्डर 3 into 1। आपको ध्यान कहाँ पे देना है, नंबर ऑफ कॉलम पे। जैसे ही हमने देखा कि कॉलम का वैल्यू 1 है तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉलम मैट्रिक्स। उसी तरह आप रो वाले में यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे कॉलम कितने हैं, दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकेंड कॉलम, क्योंकि ये एक लाइन बना रहा है, अब इसके नीचे नहीं है तो नहीं है, फिर भी एक कॉलम को तो फॉर्म किया इसने, तो ये क्या हुआ, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम, सॉरी फोर्थ कॉलम, एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ रो, दैट नंबर ऑफ रो इज ओनली 1, एक ही नंबर ऑफ रो है, इसी एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में ये सारा नंबर आ रहा है, तो रो का नंबर तो एक है लेकिन कॉलम का नंबर कितना है, कॉलम का नंबर 4 है। तो आपको फोकस कहाँ पे करना है, फोकस करना है आपको नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो जैसे ही हमने देखा तो हम लोग क्या बोल देंगे कि दिस मैट्रिक्स इज एग्जाम्पल ऑफ रो मैट्रिक्स, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। आपको कुछ कुछ नाम ही बता रहा होगा, जीरो नल मतलब नल्ला जैसा कुछ है, इसका वो नहीं है, तो कुछ ऐसा ही मैट्रिक्स का मतलब आप देखोगे ये है भी। क्या बोलता है कि अगर सारा एलिमेंट, अब आप खुद समझ जाइए जीरो मैट्रिक्स बोलने का मतलब क्या, अगर किसी मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट जीरो के बराबर है तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोल देंगे, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखिए डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, द मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट, ध्यान देना है यहाँ पे एक एलिमेंट दो एलिमेंट नहीं, जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा है तो हम लोग उस मैट्रिक्स को बोलेंगे नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स।
अब इम्पोर्टेंट, यहां से एक दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आएगा, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट कंसेप्ट है डायगोनल मैट्रिक्स का। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे दो कंसेप्ट आएगा, आपको दो नया चीज समझना है। सबसे फर्स्ट चीज समझना डायगोनल एलिमेंट या फिर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। जब भी आप डायगोनल एलिमेंट बोलोगे या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बोलोगे, तो वो ऐसा एलिमेंट को बोला जाता है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। अब ध्यान समझिए, अगर हम बोले क्या, अभी हमने आपको बताया कि ऐसा एलिमेंट जो कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम वाली पोजीशन पे आ रहा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। अब यहाँ पे आप समझो ध्यान से, ये किस ऑर्डर का है, 2×2। तो यहाँ पे कोई एक ऐसा पोजीशन तो होगा जो कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का पार्ट होगा, A11 होगा। तो अब ध्यान से देखिए आप, A11 मतलब क्या हो गया, 7। यही फर्स्ट रो का भी पार्ट है और फर्स्ट कॉलम का भी पार्ट है। तो ऐसा एलिमेंट को हम लोग डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे, जिसमें कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर हो, ठीक है ना। अब आपका जो है कंट्राडिक्ट करने वाला बात, जैसे अगर हमने ये एग्जाम्पल लिया, तो आप बोलोगे ये डायगोनली आ रहा है, ये भी तो सर डायगोनली आ रहा है। तो इसीलिए ये डेफिनेशन मैंने आपको बताया, क्या बताया कि आपको सिर्फ उसी एलिमेंट को डायगोनल एलिमेंट कंसीडर करना है जहां पे कंडीशन क्या हो, रो और कॉलम का नंबर बराबर हो। आप इस वाले डायगोनल में चेक कर रहे हो, ये जीरो का रो तो 1 है, लेकिन कॉलम क्या है, कॉलम तो फर्स्ट कॉलम ये है, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम ये हो गया। तो जीरो क्या सेम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसको हम डायगोनल एलिमेंट कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है? तो आई होप यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट जब भी बोला जाएगा तो क्या क्या आ जाएगा, A11, A22, A33। तो अब कंसेप्ट समझिए, क्या बोलता है कि द मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट इज इक्वल टू जीरो, सारे एलिमेंट जीरो हो जाए एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट या फिर एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट। जैसे ही डायगोनल एलिमेंट आपको बोला जाए, आपको तुरंत क्या करना है, आप एक खुद से क्रिएट कर सकते हो। आपको करना क्या है, ये वाला इस पोजीशन को सिर्फ डायगोनल कंसीडर करना है, यहां पे कुछ भी रख दीजिए, बाकी जो भी बच जाए वहां पे जीरो बैठा दीजिए। क्लियर है? आपको अगर 3×3 का एक डायगोनल एलिमेंट क्रिएट करना है, डायगोनल मैट्रिक्स क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल 9 इस तरह से खींच देंगे। मैंने आपको क्या बोला, डायगोनल एलिमेंट पे कोई और वैल्यू को बैठा दीजिए, 1, 5, 7, बाकी जो भी पोजीशन बैठ रहा है, जैसे ही डायगोनल एलिमेंट बोला जाए या डायगोनल, तो आपको इस डायगोनल फॉर्म को कंसीडर नहीं करना है। क्लियर है? तो आप बाकी जो भी बच रहे वहां पे जीरो बैठा, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे कि डायगोनल एलिमेंट का कंसेप्ट क्या है, और यही आपको हमेशा याद रखना, डायगोनल एलिमेंट बोलने का मतलब ये वाला साइड, ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ना कि ऐसे वाले डायगोनल एलिमेंट को आप कंसिडर करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट कुछ और टाइप हमारा बचा हुआ, उसको हम लोग अब देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टाइप है वो है स्केलर मैट्रिक्स का। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, आप थोड़ा सा समझिए। जब हम लोगों ने डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में समझा, तो वहां पे मेन कंसेप्ट क्या था, और ये सारे जो होंगे वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है आपके स्क्वायर मैट्रिक्स से। क्लियर है? तो अब समझिए, डायगोनल मैट्रिक्स में सिंपल सा इतना बात बोला गया है क्या, कि डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आपके वहां पे जीरो नहीं होने चाहिए, बाकी सारा एलिमेंट जीरो हो, और जो भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बोलने का मतलब क्या, जहां पे रो और कॉलम इक्वल हो वो जीरो ना हो, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोल देंगे। अब उसी को और थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, अब वहीं से डिराइव हुआ स्केलर मैट्रिक्स का कंसेप्ट और यूनिट मैट्रिक्स का कंसेप्ट। स्केलर मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्या है, कि जो भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट
बाकी सारा एलिमेंट रिमेन कांस्टेंट, जो कंडीशन था उसके समय वही अभी भी है, डायगोनल मैट्रिक्स का समय अभी भी वही कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि बाकी सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, कंडीशन इज स्टिल सेम। लेकिन अब थोड़ा सा मॉडिफाई क्या हुआ, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के कंडीशन में मॉडिफिकेशन क्या आया कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होंगे वो अगर बराबर हो गए, अगर 1-1-1 हो गया, 2-2-2 हो गया, मतलब यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, 3-3-3 हो गया, या कुछ अगर बराबर हो गए, तब हम उस मैट्रिक्स के टाइप को, उस डायगोनल मैट्रिक्स के टाइप को क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। अब ध्यान से सोचिए, स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी जो कंडीशन वो तो सेम ही है, सारा का सारा एलिमेंट यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, मॉडिफिकेशन क्या लाया गया कि यहाँ पे एलिमेंट को बराबर किया गया, क्लियर है। तो अब एक बार ध्यान से देखिए क्या बताया जा रहा है कि ये मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल एंड ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे, मींस नॉन डायगोनल एलिमेंट बोलने का मतलब क्या है, ये भी डायगोनल एलिमेंट नहीं है। अब ये एकदम दिमाग से उतार लेना क्या कि ये वाला जो एलिमेंट है ये डायगोनल एलिमेंट है। डायगोनल एलिमेंट का कंसेप्ट इसलिए मैंने आपको इसने अच्छे से बताया, क्या डायगोनल एलिमेंट वही होगा जिसका रो और कॉलम बराबर हो। इसका रो तो 1 है लेकिन कॉलम का नंबर क्या है, इसका कॉलम का नंबर 3 है, ये तो डायगोनल एलिमेंट है बट ये फिर से नहीं है क्योंकि ये क्या है, रो 3rd है, कॉलम का नंबर 1 है, तो रो और कॉलम बराबर नहीं है। तो अब कंडीशन आपको ये याद रखना है कि डायगोनल एलिमेंट बता रहा था कि यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए। फिर उधर से स्केलर मैट्रिक्स आता, बोलता अच्छा तुम ज्यादा बढ़ रहा है। अब ये भी कंडीशन क्या रख दिया कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बराबर होने चाहिए, अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बराबर है और बाकी सब 0 है तो उसको हम अपने अंदर ले लेंगे, हम उसको बोलेंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। उसके बाद कंसेप्ट है यूनिट मैट्रिक्स का और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, ये स्केलर मैट्रिक्स को भी थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया। स्केलर मैट्रिक्स ने क्या बोला कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बराबर होने चाहिए। अब ये क्या बोलता है कि हम एकदम डॉन है, दादा है, हम क्या फिक्स कर देंगे कि डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए और कुछ हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर 1, ध्यान से देखिए, अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 के बराबर हो और बाकी सारे एलिमेंट मैट्रिक्स के 0 के बराबर हो तो वो आपका क्या हो गया, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और मेन प्रैक्टिकली क्वेश्चन बनाते समय आपको यही यूज करना है, आप यहाँ पे इसी को अप्लाई करना है, बाकी और कोई मैट्रिक्स नहीं आएगा। आपको कभी कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि लेट एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो जहां पे और वहां पे कोई एक एक्स मैट्रिक्स का वैल्यू दे देगा, सपोज कीजिए 0 2 0 2 0 1, कुछ ऐसा कोई मैट्रिक्स एक्स का वैल्यू दे दिया। तो अब आपको यहाँ पे देखिए, ये भी तो एक मैट्रिक्स है, इसको भी सॉल्व करेंगे कोई मैट्रिक्स आएगा, लेकिन 1 तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे खुद कंसेप्ट लगाना। और यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स आता है और बोलता क्या है कि तुम इसको एक यूनिट मैट्रिक्स ट्रीट करो, तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0 1। और किस ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स यहाँ पे अपने से अज्यूम करना है, जितना जिस ऑर्डर का आपको जिस मैट्रिक्स उस क्वेश्चन में जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिया है उतने ऑर्डर का आप खुद से यूनिट मैट्रिक्स मान लोगे, एज्यूम कर लोगे। फिर से समझिए बात को, अगर यहाँ पे 5 भी लिखा होता तो हमने क्या बताया आपको, 5 ए बोलने का मतलब क्या कि अपने से एक अपने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लेना। अगर यहाँ पे सिर्फ 5 लिखा रहता, ए अगर कोई और मैट्रिक्स दिया रहता तब, लेकिन अगर सिर्फ 5 दिया रहे, कांस्टेंट दिया रहे, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन का ऑर्डर देखना है, क्वेश्चन में जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका ऑर्डर क्या है, और खुद एक कांस्टेंट के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का क्रिएट करना और मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझ आएंगे इस कंसेप्ट को। अभी कुछ भी समझ में आया बहुत ही काफी है, क्लियर है।
और अगर इससे रिलेटेड डाउट है तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको वहां पे भी समझा दूंगा। लेकिन अभी अगर 50% भी आ गया तो वो भी बहुत ही इनफ है, आपको पूरा हम लोग कंसेप्ट समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चन पे आएंगे। तो यार सो अब समझिए, डायगोनल मैट्रिक्स का मॉडिफिकेशन क्या था? डायगोनल मैट्रिक्स का मॉडिफिकेशन था स्केलर मैट्रिक्स, और स्केलर मैट्रिक्स को मॉडिफाई किया गया तो क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में कंडीशन सिर्फ इतना था कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जीरो छुड़ा के कुछ और हो। फिर स्केलर मैट्रिक्स में कंडीशन क्या आया कि ये जो डायगोनल एलिमेंट हो, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, वो इक्वल हो। अब सबसे बड़ा डॉन कौन आ गया? सबसे बड़ा डॉन आ गया यूनिट मैट्रिक्स। उसने क्या बताया? उसने बताया हम सिर्फ वन को एक्सेप्ट करेंगे एज एन डायगोनल एलिमेंट। अगर वन डायगोनल एलिमेंट के रूप में आएगा तभी वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा, वरना नहीं। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट था, और ये तीनों आपको याद रखना, ये तीनों कंसेप्ट जो था आइदर दैट वन इज डायगोनल मैट्रिक्स या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स नॉट स्केलर मैट्रिक्स, और फिर यूनिट मैट्रिक्स, ये सारा का सारा स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है। मीन्स ऐसे जगह अप्लाई करना जहाँ पे रो और कॉलम का नंबर बराबर। क्लियर है? ध्यान से देखिए एग्जांपल भी आपको 3x3, इसमें तीन रो है और तीन कॉलम है, ऐसा दिया जा रहा है। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट को समझते हैं जो कि है इक्वल मैट्रिक्स। वन ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल इक्वल मैट्रिक्स क्या है, ध्यान से समझिए। टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। दो अलग अलग मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे कब? इफ पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ द बोथ मैट्रिक्स आर सेम। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। और दूसरा कंडीशन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। कॉरस्पॉन्डिंग का कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा वो अच्छे से समझना है। कॉरस्पॉन्डिंग अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो इस पोजीशन पे यहाँ पे जो है वही, यहाँ पे भी वही होना चाहिए, दूसरे मैट्रिक्स में भी उस पोजीशन पे वही होना चाहिए। यहाँ पे टू है तो यहाँ भी टू होना चाहिए, यहाँ पे टू है तो यहाँ भी टू होना चाहिए, यहाँ पे वन है तो वन होना चाहिए। तो इसको बोला जा रहा है कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। यहाँ पे जिस पोजिशन में जो एलिमेंट है, दूसरे मैट्रिक्स में भी उस पोजिशन पे वही एलिमेंट होने चाहिए। क्लियर है? तो सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए, थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझना है कि अगर ये A11 का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे भी B11 का वैल्यू 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पे A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे भी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट 2 होना चाहिए। यही इसी को बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन। तो बेटर है आप लोकल भाषा में, हिंदी में वैसे भी आत्मनिर्भर भारत प्रमोट किया जा रहा है तो आप लोकल अपनाइए क्या कि यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, यहाँ अगर 2 है यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ 2 है फिर से यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए। यहाँ पे कंसेप्ट आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे सिंपल सा भाषा क्या है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर बोलने का भी मतलब हो गया जितना रो और जितना कॉलम का नंबर इसके केस में होगा सेम टू सेम, इसके भी केस में वैसा ही होना चाहिए। क्लियर है? अगर दो रो दो कॉलम का ये मैट्रिक्स है तो ये भी दो रो दो कॉलम का होना चाहिए। अगर तीन रो दो कॉलम का ये मैट्रिक्स है तो दूसरा वाला जिसके इक्वल हम कर रहे हैं वो भी तीन रो और दो कॉलम का होना चाहिए। तो ये था, और कुछ हमारा मैट्रिक्स बचा हुआ है जो कि मोर इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये था हमारा इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स जिसको हमने आपको बताया। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कुछ इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स भी बचे हुए लेकिन उसका कंसेप्ट हम लोग जब ट्रांसपोज पढ़ लेंगे उसके बाद सीखेंगे, उसके पहले पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, क्लियर है? जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, तो इन सारे को हम लोग ट्रांसपोज के पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपको याद क्या रखना है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो दो कंसेप्ट आपको इस पूरे सेशन से याद रखना है वो है यूनिट मैट्रिक्स का कंसेप्ट और इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट। यूनिट मैट्रिक्स में क्या याद रखना, आपको खुद यूनिट मैट्रिक्स को एज्यूम करना पड़ेगा। तो किस ऑर्डर का आप एज्यूम कीजिएगा, वहां पे जो भी क्वेश्चन है जिस ऑर्डर का भी वो हमेशा आपको 2x2 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में देगा। तो आप एज्यूम भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स उसी ऑर्डर के करेंगे।
तो ये बात पहले याद रखना है, दूसरा इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट याद रखना है। तो ये सारा मैट्रिक्स आपको एक बार बेसिक ओवरव्यू कर लेना, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इतना नहीं देखना, वो सब आप एक बार नोट जब भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा आप देखिएगा तुरंत समझ जाएंगे। और माइंड को क्यों ज़्यादा लोड नहीं देना है, आपको जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बताया और सिर्फ उसको याद रखना है। तो आई होप आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा, कोई भी डाउट रहे तो आप पूछ सकते हो। और हमने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि आप लोगों को कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे ऐप लॉन्च किया गया है और ऐप का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे और आप वहाँ पे लॉगिन करें, जिससे आपको एक सिस्टमेटिक वे में एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमेशा वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाए और आपको भी इजी हो, इससे आप भी अच्छे से सीख पाए। कोई भी डाउट, कोई भी इंफॉर्मेशन लेना हो, आप जो भी नंबर प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।